आज की बात की शुरुआत महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से करते हैं। कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती मानव जाति का कल्याण करते हुए भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की सेवा में लगे हुए थे। कि अचानक उनके किसी एक विरोधी ने उन्हें भोजन के साथ विष दे दिया। जहर का प्रभाव चढ़ा उनके किसी मुस्लिम भक्त ने उस जहर देने वाले व्यक्ति का पता कर लिया और न केवल पता कर लिया वरन पकड़कर दयानंद सरस्वती की सेवा में भी हाजिर कर दिया और कहा यही वह व्यक्ति है जिसने कि आपको जहर दिया। दयानंद सरस्वती ने जैसे ही उस व्यक्ति को अपने सामने पकड़े हुए देखा तो सरस्वती ने कहा कि इस व्यक्ति को छोड़ दो। उस भक्त ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, इसने आपको जहर दिया और आप इसे कह रहे हैं कि छोड़ दो। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया मैं इस संसार में किसी को कैद कराने के लिए नहीं वरन जो लोग कैद हैं उनको छुड़ाने के लिए आया हूं। कहते हैं कि व्यक्ति छोड़ दिया जाता है लेकिन मानव जाति के नाम पर दयानंद सरस्वती ये पैगाम देकर चले जाते हैं कि दुनिया में पैदा होने वाले संत महंत ऋषि महर्षि अरिहंत महंत लोग वे दुनिया को प्रपंचों में जकड़ने के लिए नहीं आते वरन उनको मुक्त कराने के लिए आया करते हैं। यहीं तक नहीं, महान देवदूत जीसस को भी जिन लोगों ने सलीब पर चढ़वा दिया था उन लोगों के लिए सलीब पर चढ़ते हुए भी जीसस ने यही कहा था कि हे प्रभु इन्हें माफ कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। ये जो उनका पैगाम आया ये मुक्ति का संदेश का पैगाम है और जो इंसानियत के नाम पर ये पैगाम देकर जाया करते हैं कि अगर कोई गलती भी करता है तो हम उसे सहन कर जाएंगे, तुम उन्हें आजादी दे दो, तुम उन्हें स्वतंत्रता दे दो, तुम उन्हें कैद से मुक्त कर डालो, ये काम है संतों का। भगवान श्री महावीर भी मुक्ति दूत हैं, वे विशुद्ध रूप से मुक्ति का पैगाम देते हैं और मानव मात्र की मुक्ति चाहते हैं। वे चाहते हैं कि व्यक्ति जब तक जीवित रहे तब तक वह मुक्ति का आनंद अपने जीवन में जिए और जिस दिन वह अपने नश्वर शरीर का त्याग करके चला जाए उस दिन वह मोक्ष और निर्वाण का मालिक बन जाए। यदि कोई भी व्यक्ति राग और द्वेष नहीं करता तो वह व्यक्ति जीते जी ही मुक्त है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम राग और द्वेष करेंगे तो हमारे कर्म के बंध अनुबंध प्रगाढ़ होंगे और कर्म बंधेंगे तो हमारा जीव हमारी आत्मा पुनः पुनः भव चक्र में उलझती चली जाएगी। तो यदि कोई व्यक्ति राग और द्वेष नहीं कर रहा है तो अपने आप ही वह कर्मों से कषायों से मुक्त होता चला जाता है।
तो राग और द्वेष ही बंधन है और वीत राग और वीत द्वेष होना ही मुक्ति का आधार है। कोई अगर मुझसे पूछे कि व्यक्ति की मुक्ति क्या है, तो मेरी समझ से यदि कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करता, लोभ नहीं करता, मोह माया में नहीं उलझता, तो वह व्यक्ति जीते जी ही मुक्त है। वो मुक्ति क्या काम की जो मुक्ति किसी व्यक्ति को मरने के बाद मिलती हो? उसको किसने देखा, उसका स्वाद किसने लिया? तो मूल बात यह है कि हम लोग जीते जी अपने साथ मुक्ति का आनंद लें, दूसरों को भी अपनी ओर से मुक्ति का स्वाद दें और खुद भी मुक्त होकर जिएं। अगर हम खुद ही मुक्त नहीं होंगे तो दूसरों को मुक्ति कैसे दे पाएंगे? अगर हम खुद ही शांत नहीं होंगे तो दूसरों की अशांति का हरण कैसे कर पाएंगे? तो जिससे सदाबहार आनंद मिलता हो, कि व्यक्ति की चेतना में, व्यक्ति के अंतर मन में सदाबहार आनंद दशा रहती हो, वह दशा ही मुक्त दशा है। आनंद का मतलब यह है कि जिसे दुनिया की कोई भी बाधा विचलित न कर पाए, उसका नाम है सदाबहार आनंद। जिसे किसी की टेढ़ी टिप्पणी, किसी के द्वारा किया जाने वाला अपमान, किसी के द्वारा बरती जाने वाली उपेक्षा, किसी के द्वारा दी जाने वाली हानि यदि हमें विचलित कर देती है, तब तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा आनंद एक प्रसंगवश बन जाता है, वक्त बेवक्त बन जाता है, पर हर हाल में वो आनंद दशा नहीं रह पाती। तो यदि कोई व्यक्ति क्रोध और कषाय से मुक्त है तो निश्चित तौर पर वो मुक्त है। यदि कोई व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है तो निश्चित तौर पर वो मुक्त है। इसलिए महावीर ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, उसे हम कहेंगे सयोगी केवली और अयोगी केवली। मेरी भाषा में मैं इसे बोलूंगा सयोगी मोक्ष और अयोगी मोक्ष। सयोगी मोक्ष यानी कि मन वचन काया का अभी तक योग बना हुआ है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मुक्त हो गया, क्योंकि अब उस पर राग और द्वेष का, क्रोध और मान का, लोभ और माया का अब असर नहीं पड़ता। तो जो निर्मोही हो गया, जो वीत मोह, वीत राग, वीत द्वेष हो गया, वह व्यक्ति अपने आप ही मुक्त हो गया, अपने आप। और दूसरा होता है अयोगी मोक्ष, यानी कि मन वचन काया का योग भी अब गिर चुका है, मृत्यु ने उसे मुक्त कर दिया है। तो एक मुक्ति वह है जो व्यक्ति को जीते जी उपलब्ध होती है, और एक मुक्ति वह है जो व्यक्ति के मरने के बाद उपलब्ध होती है। मरने के बाद क्या होगा, इसके बारे में तो अपन कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन जीते जी क्या होगा इसका मूल्यांकन अपन लोग खुद कर सकते हैं। और तय है मरने के बाद वही होगा जो जीते जी होगा। तो यानी कि बच्चे ने अगर साल भर पढ़ाई की है तो वैसे ही परीक्षा में परिणाम आएंगे। तो अगर हम जीते जी मुक्त हुए हैं तो मरने के बाद भी मुक्त और मोक्ष पद के मालिक बनेंगे, और जीते जी ही अभी तक मुक्त नहीं हो पाए, राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाए, क्रोध कषाय से उपरत नहीं हो पाए, तो मरने के बाद वही क्रोध कषाय तो हमारा पीछा करेंगे, वही राग द्वेष ही तो हमारा पीछा करेंगे। तो कुल मिलाकर पत्ते की बात केवल इतनी सी है कि व्यक्ति जीते जी अपने लिए मुक्ति का प्रबंध करें। महावीर तो मुक्ति पथ के प्रवर्तक हैं, मुक्ति पथ के पुरोधा हैं, वे मुक्ति की बात करते हैं, वे स्वयं मुक्त हुए हैं इसलिए मुक्ति की बात कर रहे हैं। यदि महावीर के पिता से अगर पूछा जाता तो वे स्वयं बंधन में थे इसलिए बंधन की बात करते। इसलिए अगर
महावीर के पिता ने कोई काम किया तो उन्होंने महावीर का विवाह करवाने का काम किया, जबकि स्वयं महावीर ने या स्वयं बुद्ध ने अपनी ओर से कोई काम किया तो उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्होंने मुक्ति और आजादी, धर्म और अध्यात्म का रास्ता खोला। यही वजह है कि जब भगवान श्री बुद्ध बोधि लाभ को अर्जित करके, कैवल्य को अर्जित करके, संबोधि को अर्जित करके जब वापस शहरों की तरफ, गांवों की तरफ आते हैं मानव मात्र का भला करने के लिए, तब कहते हैं कि वे एक दफा अपने महलों में भी आते हैं, राजमहल में भी आते हैं और वहां उन्हें अपनी पूर्व पत्नी भी मिलती है। वो उन्हें झिड़कती भी है कि तुम तो चले गए लेकिन अपना बेटा मेरे पास छोड़कर चले गए। हर पिता अपने पुत्र को वसीयत देता है, तुम अपने पुत्र को वसीयत में क्या दे रहे हो? तुम राजा थे और राजकुमार भी थे, जो भी थे, तुम तो चले गए, तो एक राजकुल में पैदा होने पर तुमने अपने पुत्र के नाम क्या लिखा? ये प्रश्न बुद्ध की पत्नी ने बुद्ध से किया और यही प्रश्न यदि बुद्ध की पत्नी अपने ससुर से करती तो निश्चित तौर पर यदि बुद्ध के पिता से प्रश्न किया जाता तो उसको वापस राज्य मिलता, पर बुद्ध से प्रश्न किया गया तो जवाब में राहुल को भिक्षा पात्र मिला। तो जिसके पास जो होगा वही तो वह लौट आएगा। जो स्वयं मुक्त हो गया वो दुनिया को मुक्ति का पैगाम देगा, जो स्वयं बंधन में है वो दुनिया को बंधन का रास्ता देगा। हर व्यक्ति वही बोलेगा, वही करेगा, वही कहेगा जो उसका वर्तमान स्तर होगा, जो उसके जीवन का तौर तरीका होगा, जिस पद पर, जिस मुकाम पर वो खड़ा होगा लोगों को भी उसी मुकाम तक ले जाना चाहेगा। इसलिए महावीर तीर्थंकर हैं, वो स्वयं पार लगे हैं इसलिए वो दूसरों को भी पार लगा रहे हैं। उनके संदेश, उनके पैगाम मानव मात्र के कल्याण के लिए है, मानव मात्र के प्रति मंगल मैत्री भाव से भरे हुए हैं, मानव मात्र की मुक्ति चाहने वाले हैं। और खास तौर पर किसी भी व्यक्ति को यदि अपने लिए मुक्ति का पथ ढूंढना है तो मेरी समझ से महावीर के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है इंसानियत के लिए। घर गृहस्थी में कैसे जीना चाहिए इसके लिए राम आदर्श हैं। इंसान को कर्म और पुरुषार्थशील होकर दुनिया में कैसे जीना चाहिए इसके लिए कृष्ण आदर्श हैं।